कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण में उपसर्ग पढ़ा रहे थे। संस्कृत हिंदी उर्दू फारसी के उपसर्ग पर हम लोग चर्चा किए थे। अंग्रेजी के उपसर्ग पर चर्चा करना बाकी था। जैसे जस्टिस में चीफ उपसर्ग लग गया तो चीफ जस्टिस, इंचार्ज में चीफ उपसर्ग लग जाने पर इंचार्ज चीफ इंचार्ज हो जाता है। मिनिस्टर में चीफ उपसर्ग लग जाने पर चीफ मिनिस्टर हो जाता है। जनरल मैनेजर में जनरल उपसर्ग लग जाने पर जनरल मैनेजर। कमांडर में जनरल लग जाने से जनरल कमांडर। मर्चेंट में जनरल लगने से जनरल मर्चेंट। डिप्टी कलेक्टर में डिप्टी लग गया तो डिप्टी कलेक्टर। सीएम चीफ मिनिस्टर में लग जाता है तो डिप्टी सीएम। चेयरमैन में अगर डिप्टी उपसर्ग लग जाता है तो डिप्टी चेयरमैन। हाफ डे में हाफ उपसर्ग लगने से हाफ डे। शर्ट में हाफ उपसर्ग लगने से हाफ शर्ट। पैंट में हाफ उपसर्ग लगने से हाफ पैंट। वाइस प्रिंसिपल में वाइस उपसर्ग लगने से वाइस प्रिंसिपल। चांसलर में वाइस उपसर्ग लगने से वाइस चांसलर। चेयरमैन में वाइस उपसर्ग लगने से वाइस चेयरमैन। सब कमांडर में सब उपसर्ग लगने से सब कमांडर। इंस्पेक्टर में सब उपसर्ग लगने से सब इंस्पेक्टर। ये अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग हैं। इस प्रकार उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में या शुरू में या आगे में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द उसे कहते हैं जिसका कि कोई अर्थ हो। और उपसर्ग शब्दांश होते हैं। तो संस्कृत के जो कुछ उपसर्ग है, अति अधि अंग अप अब अभि आ उत ओ नी निस प्र प्रति सम सु आदि। उसी तरह हिंदी के भी कुछ उपसर्ग है, अ अन अद औ उन कु दु आदि। उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं, कम खुश गाय दर ना बा हम बिला आदि। अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग हैं, चीफ जनरल डिप्टी हाफ वाइस सब आदि। तो उपसर्ग समाप्त हो गया। आज आगे की क्लास में प्रत्यय पढ़ा है।